नमस्कार, पीके बिजनेस आइडिया चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बनाएंगे कपड़े धोने का साबुन। चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन घंटी दबा दें, जिससे कोई भी वीडियो बने आपके पास तुरंत पहुंच सके। कपड़े धोने का साबुन बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल लेना है। डालडा 1 kg आप डालडा ले सकते हैं, पाम ऑयल ले सकते हैं, यूज हुआ आप ऑयल ले सकते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए अगर कोई ऑयल है, पाम ऑयल है या डालडा है, अगर वो यूज हो चुका है तब भी आप उसे यूज कर सकते हैं। डालडा आपको लेना है 1 kg। कास्टिक सोडा आपको लेना है 250 ग्राम। सोडा एस वॉशिंग सोडा है, यह जो डिटर्जेंट पाउडर में पड़ता है, यह आपको लेना है 250 ग्राम। बेसन, चने का बेसन है, आपको लेना है 500 ग्राम। और 2 लीटर पानी, वाटर। ठीक, समझ में आ गया। 1 kg डालडा लेना है, 250 ग्राम कास्टिक सोडा लेना है, 500 ग्राम बेसन लेना है, 250 ग्राम सोडा एस लेना है, 2 लीटर पानी लेना है। अब आपको यह बनाना कैसे है देखिए। सबसे पहले आप जो 2 लीटर पानी लिए हैं, तो आप 1 लीटर पानी में कास्टिक सोडा और सोडा एस को आपस में मिला लीजिए। दो सौ पचास ग्राम कास्टिक सोडा, 250 ग्राम सोडा एस है, उसमें आप 1 लीटर पानी डाल दीजिए और इसे मिला लीजिए। अब इसे आपको क्या करना है, 5 से 6 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देना है। अब यह जब तक ठंडा होता है तब तक हम अपना दूसरा काम कर लेते हैं। दूसरा काम आपको यह करना है कि आपको ले लेना है बेसन 500 ग्राम बेसन लेने के बाद में आपको इसमें जो 1 लीटर पानी बचा हुआ है वो आपको इसमें डाल देना है, और डालकर इसे अच्छी तरह से मिला लेना है। इसमें आपका एकदम गुठली न पड़े, आपको बहुत अच्छी तरह से मिलाना है। इसे मिलाने के बाद आपको यह ऑयल है जो पाम ऑयल, इसे आपको इसमें डाल देना है और इसे भी मिला लेना है। अब इस घोल को आपको 10 से 15 मिनट मिलाना है अच्छी तरह से। अच्छी तरह से मिलने के बाद में यह जो कास्टिक सोडा का और सोडा इसका घोल है, यह आपको इसमें धीरे धीरे डालना है और मिलाना है। देखिए अब यह गाढ़ा होने लगेगा। अब इसे आपको रोकना नहीं है, आप जब रोकेंगे तब यह खराब हो जाएगा। देखिए यह गाढ़ा घोल होने लगा। देखिए अब आपका यह गाढ़ा घोल हो चुका है।
आपको इतना ही गाढ़ा करना है, अगर आप इसके बाद अब इसे फेटेंगे तो यह खराब हो जाएगा घोल। ठीक, इसलिए आपको इतना ही करना है। अब आपको जिस भी सांचे में आपको जमाना है उस सांचे में इसे आप डाल देंगे इस घोल को। और इसे आपको 2 से 3 दिन के लिए रख देना है जमने के लिए। यह जब पूरी तरह से जम जाएगा तो आप इसे 2 हफ्ते के बाद यूज करेंगे तो यह कपड़ा धोने में बहुत बढ़िया काम करेगा, इसमें झाग भी आएगा, सफाई भी करेगा और यह हाथों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आप इसे घर पर बनाकर इसका बिजनेस कर सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत कम पूंजी लगाना होगा। आप मार्केट से आपको 1 kg कास्टिक सोडा लाना है, ठीक। उसके बाद आप डालडा ले सकते हैं या पाम ऑयल आप ले सकते हैं। 60 से 65 रुपये kg आपको मिल जाएगा। लोकल मार्केट में भी आप लेंगे तो 70 रुपये kg तक आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको चने का बेसन ले लेना है, इतना ही आपको लेना है, ठीक। उसके बाद आप घर पर आसानी से बना सकते हैं। और सोडा ऐसा आपको 1 kg 2 kg लेना आना है, आप ले लाना है मार्केट से, जहाँ पर भी केमिकल का सोप होता है, दुकान होता है केमिकल को, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। कास्टिक सोडा और सोडा दोनों मिल जाएगा, आप लाइए और इसे 1 kg का पहले बनाइए। उसके बाद आपके लोकल मार्केट में जो भी दुकान है आप पहले ले जाकर किराने की दुकान पर उनको दिखाइए, छोटा छोटा उसका पीस बनाइए और उसके बाद उनसे कहिए कि जो उनका कस्टमर है रेगुलर आता है उनके दुकान पर उसे वह फ्री में दे और वह घर पर यूज करे या करके वह जरूर बताए, ठीक। दुकानदार उनसे ये कह देगा जो उनका कस्टमर है रेगुलर कि आप इसे घर पर ले जाइए, मेरे तरफ से फ्री है, आप यूज करिएगा, उसके बाद इसका रिस्पांस आप बताइएगा मुझको। वह ले जाएगा घर पर यूज करेगा, वह आएगा, उसका रिस्पांस अगर बताएगा, अगर दुकानदार से कहेगा यह साबुन बहुत बढ़िया काम कर रहा है तो आप दुकानदार से फिर मिलेंगे जब, उसके बाद वह दुकानदार आपसे उसका ऑर्डर देगा, वह आपसे खरीदेगा साबुन। तो आप इसका धीरे धीरे 2 से 4 हज़ार रुपये पूंजी लगाकर आप इसका बिजनेस कर सकते हैं। और अगर कुछ भी आपको पूछना है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, ठीक। समझ में आ गया, इसके लिए आपको बहुत कम पूंजी की ज़रूरत है। तो चलिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन घंटी दबा दें जिससे कोई भी वीडियो बने आपके पास तुरंत पहुँच सके। चैनल का नाम है पी के बिजनेस आइडिया। इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए, बेल आइकन घंटी भी दबा दीजिए। कोई भी वीडियो बनेगा आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। अपने दोस्तों में शेयर करें, आप लोग सपोर्ट करिए इस चैनल को, मैं भी आपको सपोर्ट करूंगा बिजनेस करने में, ठीक। अगर कुछ भी पूछना तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। नमस्कार।